हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम अपने वीडियो में बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कंप्लीट हम पैथोलॉजी माइक्रो हिस्टो कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है इसीलिए मैंने बोला है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वीडियो को लास्ट तक देखना आपको कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज यहाँ से ज़रूर मिलेगी और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है सो जस्ट प्रेस द बेल आइकन सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रे कलर वाइल यूज इन लैब फॉर ग्रे कलर की वाइल जो है लैब में किस लिए यूज होती है ऑप्शन ए शुगर टेस्ट बी ई एस आर सी ऑस्मोटिक फ्रेजालिटी एंड डी हीमोग्लोबिन सो द ग्रे कलर वाइल जो है वो यूज होती है हमारी फॉर शुगर टेस्ट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल टी एल सी काउंट टी एल सी मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो नॉर्मल टी एल सी काउंट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है इसके एक हज़ार से दो हज़ार सेल्स पर एम एम क्यू दस हज़ार से बीस हज़ार सेल्स पर एम एम क्यूब चार हज़ार से ग्यारह हज़ार सेल्स पर एम एम क्यूब या ऑप्शन डी नन सो टीएलसी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फोर थाउजेंड टू इलेवन थाउजेंड सेल्स पर एम एम क्यूब ये नॉर्मल है लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया इन दोनों ही कंडीशन में टीएलसी की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है अगर ल्यूकोसाइटोसिस है यानी कि ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज कर रही हैं तो वो ट्वेंटी थाउजेंड से भी ग्रेटर वैल्यू जाएगी एंड इफ़ इट इज ल्यूकोपिनिया यानी कि ल्यूकोसाइट्स कम हो रही हैं तो वो वैल्यू जो है वो लेस देन फोर थाउजेंड हो जाएगी ठीक है आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोमोस्की स्टेन रोमोनोसकी स्टेन जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेन है जिसमें कई सारी स्टेनस आती हैं सो हेयर आर द ऑप्शन एंड हमें इसमें बताना है कि कौन सा रोमोनोसकी स्टेन नहीं है ऑप्शन ए जेम्सा स्टेन ऑप्शन बी जेडन स्टेन और जील नील्सन स्टेन ऑप्शन सी लिशमन स्टेन एंड ऑप्शन डी राइट स्टेन सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मीन्स द जेडन स्टेन इज नॉट एन रोमानोस्की स्टेन अदरवाइज रोमानोस्की स्टेन जो है वो बेसिकली फाइव टाइप्स की होती हैं एक होती है जिमसा, सेकंड लिशमन थर्ड रिट फोर्थ होती है रिट जेनर फिफ्थ होती है जेनर एंड सिक्स होती है फील्ड स्टेन सो टोटल बेसिकली फाइव होती हैं कहीं कहीं पे सिक्स इंक्लूड होता है कहीं कहीं पर जेनरल स्टेन को इंडिविजुअल करते हैं कहीं कहीं पे जेनरल को रिड जेनरल स्टेन कर देते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ट्वेंटी फोर आर यूरन प्रोटीन इस क्वेश्चन का आंसर्स वही मेरे फ्रेंड्स और दोस्त दे पाएंगे जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो देख रखा है जो मैंने ट्वेंटी फोर आर यूरन प्रोटीन पे बनाया है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और भी ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं बात करते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है ट्वेंटी फोर आर यूरिन प्रोटीन के लिए तो इसके ऑप्शन हैं ए यूरिनोमीटर बी एलबिमिनोमीटर सी विनचोब एंड डी हीमोग्लोबिनोमीटर तो अगर यहाँ पर आपको Options में फंस रहे हैं तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन की की हेल्प से सॉल्व करने ट्रिक बताती देखो हीमोग्लोबिनोमीटर जो है वो सिंपली ब्लड बैंक में यूज होता है ये ऑप्शन आप हटा दो दूसरा विंट्रोप ट्यूब जो है वो भी ब्लड से रिलेटेड है यानी कि ई एस आर और पी सी भी निकालते हैं ये भी ऑप्शन कट जाएगा अब बचते हैं दो ऑप्शन एक ऑप्शन बचता है यूरोनोमीटर और दूसरा ऑप्शन है हमारा एल्बुमिनोमीटर यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो यूरिनोमीटर होता है ये हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए यूज़ करते हैं यानी कि यूरिनोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन एंड एल्बमिनोमीटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज फॉर ट्वेंटी फोर आर यूरिन प्रोटीन यानी कि जब हम ट्वेंटी फोर आवर यूरिन प्रोटीन लगाते हैं उस टाइम पर हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होता है एल्बमिनोमीटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी इस ट्वेंटी फोर आवर यूरिन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जा करके उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पर जा करके देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर ब्लड कलेक्शन ब्लड कलेक्शन की कौन सी साइट है ऑप्शन ए एंटीक्यूबाइटल वेन ऑप्शन बी पॉपुलिटियल वेन ऑप्शन सी फेमोरल वेन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम सो वेल पॉपुलिटियल इज ऑल्सो द साइट ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लड बट द best site and suited site for the blood collection is option A, antecubital vein. theek hai Next is question number 6 Zn stain is used for. Zn stain का full form मैंने आपको बताया है, Zeil Nelson stain और ये आपको पता होना चाहिए, as well as इसकी spelling भी आपको पता होनी चाहिए, Zeil and नील ये स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में इसका कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो आपको बताना चाहिए ओके okay, तो क्वेश्चन है कि जेडन स्टेन यूज कब करते हैं ऑप्शन ए एसिड फास्ट बेसिलाई ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस ऑप्शन सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी माइक्रो बैक्टीरियम तो मैं बता दूं आपको कि जेडन स्टेन जो है वो वैसे तो होता है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए है, लेकिन एसिड फास्ट बेसिलाई में भी स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेपरी तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है हमारा वो प्रॉपरली माइकोबैक्टीरियम का ऑप्शन दे दिया गया है अगर यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम की जगह कोई और होता या होता ऑल ऑफ दम या नन ऑफ दम उस केस में हमारा ऑप्शन जो करेक्ट जाता वो जाता ऑप्शन ए एसिड फास्ट बेसिलाई लेकिन यहाँ पर क्या है हमें स्पेसिफिक माइकोबैक्टीरियम दे दिया गया है तो इसकी वजह से अब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन को देखते हैं हमें एक बार में ही लगता है कि हाँ ये सही है लेकिन इतना ट्विस्टेड उसके ऑप्शंस रहते हैं कि हम उसी में फंस जाते हैं हमें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है क्वेश्चन को आस्थे से पढ़ना है और बिल्कुल उसको पोलाइटली समझना है कि वो क्वेश्चन क्या क्या रहा है उसके ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं राइट मूविंग ऑन टू द्वेश्चन यूज ऑफ थिक थिकल स्मीयर पेरीफेरल स्मेयर जो थ हम मनाते हैं उसका यूज़ क्या है ऑप्शन ए मलेरिया पैरासाइट ऑप्शन बी फाइलेरिया ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन सो जो थिक पेरिफेरल स्मियर होते हैं मैं आपको बता दूं कि थिक और थिन पेरिफेरल स्मियर में काफ़ी डिफरेंस होता है थिक पेरिफेरल स्मियर जो होते हैं वो हमारी स्लाइड पे एक ब्लड की ड्रॉप को डालने से बनते हैं ओके okay. मीन्स उसको हमें स्प्रेडर से मूव नहीं करना है जो थिक स्मेयर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जैसा कि इमेज आपको दिख रही है और जो हमारा थिन पेरीफेरल ब्लड स्मेयर होता है उसमें क्या होता है कि हम वहाँ पे ब्लड की ड्रॉप को स्लाइड की वन सेंटीमीटर एज से अब अवे रखते हैं ठीक है स्लाइड की एज से वन सेंटीमीटर अव पे हम ब्लड का ड्रॉप रखते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर विद द हेल्प ऑफ स्लाइड एंड अ टेप स्ट्रक्चर ऑफ स्मर इज सीन उस केस में हम जो स्मेयर बनाएंगे वो टंगेप का बनेगा किस के केस में थिन के केस में राइट right? थिक का जो केस होगा हमारा उसमें हमें जस्ट एक ब्लड की ड्रॉप रखनी है और इसको राउंड राउंड रोटेट करना है कोई भी इसको स्प्रेडर की हब से नहीं यूज करना है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन यानी कि बोथ फाइलेरिया एंड मलेरिया के लिए हम थिन सॉरी थिक पेरीफेलर स्मिल को यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कलर पॉलीथीन यूज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एक टॉपिक है जिसमें कि फोर और फाइव कलर की डिफरेंट कलर की कलर कोडिंग्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं कि हमें अपना जो लैब का वेस्ट है उसको किस कलर के बैग में रखना है तो ये क्वेश्चन बायोमेडिकल से रिलेटेड है तो यहाँ पर पूछा गया कि ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन है वो किस लिए यूज होती है ऑप्शन ए निडल, ऑप्शन बी ग्लव्स ऑप्शन सी पेपर वेस्ट एंड ऑप्शन डी टिश्यू पार्ट सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज पेपर वेस्ट ठीक है यानी कि जर्नल वेस्ट किचन वेस्ट जो है वो हमारा ब्लैक कलर की पॉलीथीन में जाता है ओके यहाँ पे एक चीज और हम जान लेते हैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा कि नेडल्स के लिए हम वाइट वाइट कंटेनर यूज होते हैं या वाइट पॉलिथिन जो होती हैं नॉट पॉलिथिन दे आर

लॉजिकल वेस्ट डिस्पोजल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम तो मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली ऑटो क्लिविंग का जो यूज़ है वो स्टेलाइजेशन के लिए भी स्टेलाइजेशन के लिए ही होता है लेकिन उसमें अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए गए यहाँ पर ऑप्शन ऑल ऑफ़ देम दे दिया गया है इसकी वजह से हम हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ देम होगा अगर यहाँ पर ऑल ऑफ देम ना दिया होता तो उस केस में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाता है वो स्टरलाइजेशन का ही जाता ठीक है तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस ध्यान दे करके ही टिक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है लीशमेन स्टेन कंटेन लीशमेन स्टेन में क्या क्या होता है ऑप्शन ए मिथाइलिन ब्लू ऑप्शन बी ईओसिन ऑप्शन सी एसीटोन फ्री मेथेनॉल एंड ऑप्शन डी ईओसिनेट और ऑफ मिथाइलिन ब्लू ठीक है अब मैं बता दूं कि जो लिशमेंट स्टेन होता है इसमें जो ऊपर के जो तीन कंपोनेंट दिए गए हैं ए बी और सी तीनों होता है राइट ये है क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ना इोसिनेट ऑफ मिथाइलिन ब्लू एग्जैक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ऑप्शन जो जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा एज पर ऑप्शन अगर यहाँ पर ऑप्शन होता ऑल ऑफ देम वो इन दैट केस वो सही हो जाता

you have a doubt just write in comment section i will give you reply and correct your doubt question number 11 needle used for bone marrow aspiration kaun si needle use hoti hai option a sala needle option b klima needle option c jamshidi chifai needle and option d both a and b ab अगर हम इस question को जल्दी जल्दी और हड़बड़ी में करेंगे तो question इसमें option जो है वो D सही हो जाएगा Just because जस्ट बिकॉज कि साला क्लीमा तो होती है जमशेदी ट्रिफाइन भी बोन मैरो के लिए यूज़ होती है लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बात की गई है बोन मैरो एस्पिरेशन की हमें बोन मैरो का एस्पिरेशन यानी कि सिर्फ फ्लूड एस्पिरेट करना है बोन मैरो का तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो ऑप्शन डी जाएगा यानी कि साला और क्लीमा नीडल ही यूज़ होती है एस्पिरेशन में जमशेदी ट्रिफाइन जो होती है वो बायोप्सी के, के केस में यूज़ होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट यूज फॉर कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन इज यानी कौन सा टेस्ट जो है वो किटोन बॉडीज के लिए यूरिन में किया जाता है हमारे ऑप्शन हैं ए रूथराज बी चेयर हार्डेड सी देम सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज द डी ऑल ऑफ देम और मैं आपको बता दूं किटोन बॉडीज कितने टाइप की होती है हमारे बॉडी में बेसिकली थ्री टाइप्स की कीटोन बॉडीज हम पढ़ते हैं फर्स्ट होता है कीटोन बॉडीज में एसीटोन एसीटोन नेक्स्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड ठीक है एंड थर्ड वन इज एसिटो एसिटिक एसिड सो दीज आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ कीटोन बॉडीज जिनको हम इन तीन डिफरेंट काइंड के टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आप रूटीन यूरिन का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा सारे टेस्ट डिटेल में क्वेश्चन नंबर थर्टीन है कंटामिनेटेड स्लाइड्स आर केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोलूशन यानी कि जो भी यूज स्लाइड होती है जिसमें हम स्मेयर बनाते हैं या कुछ भी यूज करते हैं उसके बाद उन स्लाइड को हम फेंक तो देते नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा हम वेस्ट नहीं कर सकते उसको हम रीयूज करते हैं किस तरीके से करते हैं ऑप्शन हैं ऑप्शन है वन परसेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन ऑप्शन बी फॉर्मलिन ऑप्शन सी अल्कोहल ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अब ऑप्शन को क्लियर करते हुए मैं आपको बता दू कि अल्कोहल जो है ये कभी भी डिसइनफेक्टेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है अल्कोहल हमेशा जो होता है वो डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है डिहाइड्रेशन के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मोलिन तो फार्मोलिन जो होता है वो हमेशा फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है कभी भी कोई भी टिश्यू हो गया उसको फिक्स करने के लिए हम फार्मोलिन यूज़ करते हैं सो एज़ पर क्वेश्चन कंटेब्रेटेड साइड की बात की गई है तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो वन परसेंट हाइपोक्लोराइड और कभी-कभी एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कि हाइपोक्लोराइड का केमिकल फार्मूला बताइए तो इसका केमिकल फार्मूला होता है H O C L ये इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ठीक है दोस्तों आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है सो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल क्वेश्चन 14 हमारा रिलैप्स ऑफ मलेरिया इज सीन इन ऑप्शन ए ओवेल बी वाइवेक्स सी फेल्सीपेरम एंड डी बोथ ए एंड बी रिलैप्स ऑफ मलेरिया एक्चुअली में होता क्या है कि जो मलेरिया जो होता है रिलैप्स का मतलब होता है रिकरेंस एक बार क्या होता है कि हमने कम्प्लीट डोज लिया हमारा जो डिजीज़ था वो ख़त्म हो गया मलेरिया फिनिश हो गया लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मलेरिया की जो ट्रोफोसाइड सेल्स होती हैं वो लीवर में अगर डोरमेंट पड़ी रहती हैं तो वो फ्रिकरेंस कॉज करती हैं और ये होता है सिर्फ ओवेल और वाइवैक्स केस में इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है बोथ ए एंड बी हो जाएगा अगर आपने मलेरिया की कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं पढ़ी है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए मलेरिया के ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक को क्लिक करके वहाँ से जाके उस वीडियो को पढ़ सकते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द वीडियो इज द कलर ऑफ एंटीसीरा बी इज ऑप्शन ए ब्लू ऑप्शन बी येलो ऑप्शन सी कलरलेस एंड ऑप्शन डी इज पिंक सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी येलो कलर ठीक है यानी कि एंटीसीरा बी जो होता है वो हमारा येलो कलर का होता है एंड इट हैज़ अ पिगमेंट कॉल्ड एक्री फ्लेवन वाइवा और इंटरव्यूज़ के टाइम पर पूछे जाते हैं कि जो एंटीसीरा ए है उसमें क्या होता है एंटीसीरा बी है उसमें क्या होता है तो एंटीसीरा बी जो है जो येलो कलर का होता है उसमें एक्री फ्लेवन नाम का पिगमेंट होता है एंड जो एंटीसीरा ए होता है यानी कि जो ब्लू कलर का टॉप होता है जिसका उसमें ट्राइफन ब्लू नाम का पिगमेंट होता है So, this is the video is completed. Hope so you like the video. So, just press the like button. Thanks for watching.